मेरी कहानी का शीर्षक है शेर और लोमड़ी। एक बार एक शेर जंगल में खाने की तलाश के लिए घूम रहा था। लगता है आज कुछ खाना नहीं मिलेगा। शेर कुछ समय तक चलता रहा। अचानक से उसे एक गुफा दिखी। इस गुफा में पक्का कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा। मैं इसके अंदर जाता हूँ, जैसे ही कोई जानवर दिखेगा मैं उसे मार के खाऊंगा। ये सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया। परंतु जैसे ही वो गुफा के अंदर गया, गुफा पूरी की पूरी खाली थी। मैं इस गुफा में कुछ समय इंतजार करता हूँ, जैसे ही कोई जानवर आएगा मैं उसे मार के खा लूंगा। कुछ समय बाद लोमड़ी आई। उसने शेर के पंजों के निशान देख लिए। फिर वह कुछ देर सोची, फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, मैं स्वागत नहीं करूंगी। लोमड़ी ने अपनी गुफा से पूछा, पर गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने एक बार फिर से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, मैं स्वागत नहीं करूंगी। इस बार भी गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। लोमड़ी ने फिर पूछा, मेरी प्यारी गुफा, जब भी मैं आती हूँ तब तक तुम मेरा स्वागत करती हो। आज क्या हुआ, क्या तुम किसी परेशानी में हो? ये सुनकर शेर बोल रहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। ये सुनकर लोमड़ी जितना तेज भाग सकती थी वह भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।